इनसे अर्ज करेंगे 30 को, लेकिन पहले दो काम कर लेंगे। एक मैं और बात आपको कर लूँ, खान साहब इजाजत दें, मैं आपको सब टेलीविजन पे बताना चाहता हूँ कि इसको हुकूमत के दो तरीके हैं। पहले डराते हैं, मेरे दफ्तर फोन आए हैं कि आपके केस जो खान साहब और हामिद खान साहब के साथ में कर रहा हूँ ये छोड़ दें। उसके बाद डीजी नैब में दो एक एडिशनल एडवोकेट जनरल के पास आया, मेरे पास आया, मेरे पास बैठ और मुझे ऑफर की कि आप प्रिंसिपल लीगल कंसल्टेंट बन जाएं नैब के। मैंने कहा आपने वो सुप्रीम कोर्ट पिटीशन शायद पढ़ी नहीं है, हम तो नैब के चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आर्टिकल 209 के तहत। तो लिहाजा इनका पुराना तरीका है, यहाँ एक तरफ गुल्लूबाट भेजेंगे या ये डराने की कोशिश करेंगे और या खरीदेंगे, या खरीदेंगे। तो कहते हैं मेरा, मैं कह रहा था कि हम जी का फिका जाफरिया से ताल्लुक, हम दसवीं को इमाम बदलते नहीं होते, इसलिए ये ऑर्डर जो पास हुआ है इसको मैं और डॉक्टर साहब आज बैठ के बगौर देखेंगे। ये पिटिशन इंस्पायर्ड लगती है और क्यों पहले दो पिटीशन हुई है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, बैरिस्टर जफरुल्लाह ने जो पिटीशन की है, और क्यों इस पे विदाउट हेयरिंग दी पार्टी आपने एक 3 सफे का ऑर्डर पास कर दिया, किस लिए ऑर्डर पास किया भाई?